गत 10 वर्षों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाओं का आगाज किया गया है। इन योजनाओं से आज करोड़ों युवाओं और महिलाओं को बेहतर आजीविका मिल रही है, जिससे उनके जीवन में सुधार आया है। भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हो, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और नए संस्थानों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1000 कॉलेजों में स्थापित हुए आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्रों का और नवाचार उपक्रम के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के लिए पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होल्कर महिला स्टार्टअप योजना का शुभारम्भ किया जा रहा है। कौशल विकास को अकादमिक शिक्षा के साथ एकीकृत करके विकसित मानव संस्थान तैयार करना आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र का मुख्य हेतु है। महाराष्ट्र सरकार ने सालाना 1,50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे महाराष्ट्र में कुशल श्रमिकों की कमी दूर होगी। महाराष्ट्र सरकार करीब 100 करोड़ रुपयों के निवेश से लगभग 500 महिला उद्यमी स्टार्टअप को पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होल्कर महिला स्टार्टअप योजना के तहत 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देकर प्रोत्साहित करेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार की आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र और पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होल्कर महिला स्टार्टअप योजना युवा और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।